अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं सब्ज कद्दू की बर्फी, जो कि बहुत मज़े की बनेगी और बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज जरूर लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप फुल फैट मिल्क, 1/2 कप शुगर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध और चीनी को हमने इतना पकाना है कि दूध हमारा हाफ रह जाए, हाफ क्वांटिटी में हो जाए और एक इसकी थिक सी पेस्ट रेडी हो जाए और ये हमारा होममेड कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो जाएगा। और जिन लोगों के पास रेडीमेड है होममेड कंडेंस्ड मिल्क, तो वो भी डाल सकते हैं। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इस प्रोसेस को। वो आगे जाके सिर्फ 1/2 कप चीनी डाल लें। तो चलें जी, हम अपने दूध का थिक होने का वेट करते हैं। अब जो दूध है हमारा, देखें 1/2 क्वांटिटी पे हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है और ये ठंडा होके और थिक हो जाएगा। तो अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। देखें जो है कंडेंस्ड मिल्क हमारा बन के ये रेडी हो गया। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। तो अब इसके अंदर जाएगा कद्दू। सर्व कद्दू मैंने लिए हैं 1 किलो। और ये आपने कैसे इसको करना है, तैयार करना है, आपने कद्दू लिया और आपने बिल्कुल बारीक बारीक छिलका नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा छिलका उतारते हुए सारे कद्दू को छिलके से उतार दिया और इसके अंदर से गुदा आपने निकाल देना है। और फिर आपने इसको किसी भी ग्रेटर के साथ कद्दू को ग्रेट करके इसको अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेना है। देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने अच्छे से पानी निचोड़ना, जैसे हम मूलियों का निचोड़ते हैं या फिर हम गाजर का निचोड़ते हैं, इस तरह से आपने पानी इसका सारा निकाल लेना है और फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसको पैन में डालते हैं। कद्दू डालने से पहले 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी डालेंगे। आप चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। इसको कद्दू को डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सिर्फ 2 मिनट के लिए कद्दू को हम घी के साथ भून लेंगे। ये बहुत जल्दी क्विक हलवा बन जाता है। ये आप सर्दियों में बनाएं, अपने बच्चों के लिए स्पेशली बनाएं, तो वो बहुत उनको मज़े का लगेगा। एक तो बच्चे इस तरह से सब्ज़ी भी खा लेते हैं और साथ में उनको अच्छा टेस्ट भी लगेगा। आंच हमने मीडियम की है, मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं और हम इनको अच्छे से हलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना कद्दू लग सके और फिर वो एक कड़वा सा टेक्सचर आ जाएगा इसके अंदर, टेस्ट आएगा। 2 मिनट हो गए हमें कद्दू को पकाते हुए। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप फुल फैट मिल्क। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम कवर किए बगैर 5 मिनट के लिए कद्दू को दूध के साथ पका लेते हैं। लेकिन दूध आपका जब देखें कि आधा पक जाए और आधा रह जाए तो फिर हम इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा अभी इसमें दूध रह गया है, बिल्कुल इसमें से खत्म दूध नहीं हुआ। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच जो है मीडियम से थोड़ी सी लो कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं कंडेंस्ड मिल्क को कद्दू के अंदर। अब हम इसको कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क सारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये सारा दूध भी सारा ड्राई हो जाए। तब इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन आपने दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि हमारा जो कद्दू है वो नीचे ना लग सके। तो चलें जी, हम इसको ड्राई होने तक पका लेते हैं। अब हम देख लेते हैं दूध हमारा खुश्क हो गया कि नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह दूध बहुत अच्छे से खुश्क हो गया और बिल्कुल अब दूध नहीं है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, इलायची थोड़ी सी और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर नारियल। नारियल तकरीबन 2 टेबलस्पून है कि अच्छे से इसके अंदर टेस्ट डेवलप हो जाए। अच्छा आप चाहें तो आप इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हमें पकाते हुए हलवे को। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम ऑयल फिर से डालेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल जा रहा है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 1 चुटकी करीब कलर डाल रही हूँ।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे एक प्यारा सा ग्रीन कलर आ जाएगा। अब बस हमने इसको इतनी देर पकाना है कि घी जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। हलवे को पकाते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी देखें हलवे ने जो है अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हलवे को हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये मैंने एक शीशे का बाउल लिया है और एल्युमिनियम फॉइल लगा के इसके ऊपर हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, तो आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। चलिए जी, मैं सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा टैप करके सारा अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप इसकी मोटी टुकड़ियाँ रखना चाहते हैं तो आप मोटी भी बना सकते हैं, तो मैं थोड़ी पतली रखूँगी, लेकिन ये कोशिश करनी है कि सब जगह इक्वल होना चाहिए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें इसको इक्वली सेट कर दिया है। अब इसके अंदर हम, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कोकोनट है, ये मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हम अच्छे से इसके अंदर डाल के, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हल्का सा स्पैचुला की मदद से हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे ताकि हर जगह कोकोनट का बुरादा लग सके। जहां हमें कम लगेगा हम उसके अंदर और डाल देंगे। आप चाहें तो रेडीमेड इस तरह पाउडर भी ले सकते हैं, तो आप चाहें तो जो हमें खुली नारियल मिलती है ना, तो उसको आप अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लें और फिर उसको आप उसके ऊपर डाल दें। बहुत मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। अब हमने इसको एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है, तो 1 से 1.5 घंटे के लिए हम रखेंगे, तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे टुकड़ियों के। अगर आपको जल्दी खाना है तो आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें, तो वैसे वो टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा इसके साथ आएगा। आप किचन काउंटर पर रहने दें। चलिए जी, हमारा सेट हो गया। अब हम इसके ऊपर उसको अच्छे से लेट रख देंगे और इसको कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हमें हो गया है बर्फी के बैटर को रखे हुए मटेरियल को, तो अब हम इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे, एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर से बाउल के अंदर से निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेते हैं, इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, और अच्छी हमारी सेट हो जाएगी। वैसे तो सर्दियाँ, तो 1 घंटा बहुत है। अगर आप गर्मियों में इसको बनाएं तो आप इसको फ्रिज में रख दें, फिर ये अच्छी सेट होगी, बाहर इतनी अच्छी सेट नहीं होगी। इसी तरह अब हम इसकी, अब इसको हम इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। बहुत मजे की बर्फी बनती है। ये देखें, इसकी ऐसे टुकड़ी निकल आई। इसी तरह हम सारी इसकी टुकड़ियां ऐसे निकालते जाएंगे। हल्का सा बस इसको इसको छुरी के साथ हम उखेड़ेंगे और ये आराम से निकल आएगी। इसी तरह मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी कद्दू की बर्फी बन के रेडी हो गई है, और ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसके अंदर माशाल्लाह कितनी अच्छी थ्रेड्स बने हैं। ये देखें, बहुत मज़े की ये बनी है रेसिपी। तो आपने अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को ज़रूर बना के खिलाना है। तो आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी वीडियोज़ अच्छे से देख सकें, और हमारे फेसबुक का पेज जरूर लाइक करें। तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।